हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्रेफाइट पेंसिल से रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाए जाते हैं। और जो भी मैं मटेरियल्स या टूल्स काम में लेने वाला हूं, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं यहां पे बियानियो की ग्रेफाइट पेंसिल्स काम में ले रहा हूं, HB, 2B, 3B, 4B, 6B। और ब्लेंडिंग के लिए फ्लैट ब्रश यूज करूंगा मैं, और टोम्बो मोनो जीरो इरेजर हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहां सबसे पहले HB पेंसिल काम में ले रहा हूं। आपको क्या बेस लेयर ड्रॉ करनी है, पहले स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको। एक तो जहां पे जैसे आपने को फोटो में दिख रहा होगा, रेफरेंस फोटो में आपको मिडल में हाइलाइटेड पार्ट दिख रहा होगा, और देख लो नीचे से मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा हेयर पे, और एक ऊपर से स्ट्रोक्स लगाऊंगा। हल्के हैं ऊपर की साइड में स्ट्रोक्स, तो ऊपर की साइड में हल्के स्ट्रोक्स होंगे, नीचे की साइड में डार्क होंगे, ताकि जो बीच में हाइलाइटेड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा। फिर आपको जैसे जैसे आप इसको डार्क करते जाओगे हेयर को पेंसिल ग्रेड से, तो आपको बहुत फोकस से ध्यान रखते हुए बनाना है। HB के बाद में मैं 2B काम में लेऊंगा, फिर बाद में 3B या 4B, फिर 6B लास्ट में। बस आपको स्ट्रोक्स का यूज करना है। अब यहां पे मैं देख लो फ्लैट ब्रश यूज कर रहा हूं ब्लेंडिंग के लिए। जहां जहां पे आपने पेंसिल यूज की उसको आपको ब्लेंड करना है एकदम सही से, क्योंकि हेयर में सबसे मायने रखता है कि आप हेयर को सही से मर्ज कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेयर अलग दिखने चाहिए, क्योंकि हेयर में ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप भी जानते हो कि हेयर कोई ऐसे तो है नहीं कि अपन कोई गिन सकते हैं, या फिर वो सारे एक साथ होते हैं कि एक दूसरे में मिक्स। आप ब्लेंडिंग स्टम भी यूज़ कर सकते हो, जिसके पास ब्लेंडिंग स्टम है, देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश है तो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे रेफरेंस फोटो है, आपको जैसे दो तीन स्टेप्स है, जैसे कि शुरू में आपको बेस लेयर ड्रॉ करनी है, फिर बाद में आपको थोड़ी डार्क पेंसिल काम में लेनी है, फिर बाद में आपको उसको ब्लेंड करना है, फिर हाइलाइटेड पार्ट पे जैसे जैसे आपको नीड हो तो इरेजर यूज़ करना है, जैसे मैं आगे बताऊँगा अभी टोम्बो मोनो जीरो इरेजर। अब देखो मैं यहाँ पर 3B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको लाइट टू डार्क ग्रेड्स में पेंसिल यूज करनी है। तो आपके अपने आप ही देखना, आप जो हेयर आप बना रहे हो उसमें आपको डेप्थ दिखने लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं रियलिस्टिक हेयर। जो पार्ट डिवाइड में है, जैसे मान लो कहीं कहीं ऐसे हेयर में होता है जैसे डिवाइड वाला पार्ट होता है, उस पर आप अलग से बना सकते हो। हल्के पार्ट पे आपको हमेशा लाइट से ही स्टार्ट करना है, लाइट ग्रेड पेंसिल से। और फिर बाद में डार्क ग्रेड पेंसिल्स यूज करनी है। जितने भी पोर्ट्रेट है, जो भी पोर्ट्रेट है, भले आप स्किन ड्रॉ कर रहे हो, भले आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो, भले आप आईज ड्रॉ कर रहे हो, उसके अंदर बस बेसिक स्टेप यही होती है, बेसिक स्टेप्स यही होती है कि आप एकदम बेस लेयर से स्टार्ट करोगे लाइट से, और फिर बाद में डार्क ग्रेड में चलोगे। जैसे अब मैं यहाँ पे देख लो 4B कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, मतलब आप देख रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे कैसे डार्क ग्रेड पेंसिल्स यूज़ करता जा रहा हूँ। तो उससे क्या आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि आपके, क्योंकि हेयर रियलिस्टिक दिखने लग जाएंगे, कोई भी पार्ट स्किन हो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा रियलिस्टिक। दो तीन स्टेप्स है बस, आपको उस पर ही फोकस करना है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें डेप्थ आने लग गई। ब्रश का वापस यूज़ करना ब्लेंडिंग में बीच, मतलब उस प्रोसेस को रिपीट करना है, जैसे आपको दो तीन मैंने शुरू में प्रोसेस बताई उसको रिपीट करे जाओ, तो अपने आप ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पे टोम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए। आपको सबसे पहले इसको कट करना है ऊपर से ब्लेड से, ताकि इसके शार्प एजेज आ जाए। और टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से भी आपको स्ट्रोक्स ही यूज़ करने, स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको, जैसे कि आप पेंसिल के लगा रहे थे वैसे आपको हाइलाइटेड पार्ट में टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से लगाने हैं।
ये देख रहे होंगे आपके कैसे हाईलाइट। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि टोम्बो मोनो जीरो इरेजर जैसे आप ना ऊपर काम में लेते हो, जैसे इसको बार बार आप स्ट्रोक्स लगाते हो तो क्या आपको इसको क्लीन करना ज़रूरी है बार बार ब्लेड से इसको ऊपर से कट कर लो एक एंगल में। अब देखो आपको थोड़ा सा मैं जूम में दिखा रहा हूँ ये कि कैसे ये एक्चुअल में काम करता है। ये देखो हाईलाइट्स देख रहे हो अगर आप कितने परफेक्ट स्ट्रोक्स लग रहे हैं। तो इसको क्या ऊपर से कट करना ज़रूरी होता है एक एंगल में, वरना क्या ये ऊपर से राउंड आता है एक्चुअल में इरेजर। देख रहे हो आप कैसे रियलिस्टिक दिख रहे हैं अब हेयर। तो बस आपको ऐसे ही प्रोसेस रिपीट रखनी है और बनाते जाना है और लास्ट में आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। बस बहुत पेशेंस से बनाना है। मैंने इस ड्रॉइंग में काफ़ी टाइम लिया है, आपको बताऊँ ये हेयर बनाने में बहुत टाइम लगाया है, 3-4 घंटे लग गए थे इसमें बनाने में। ये तो मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, टेक्निक से समझा रहा हूँ। बाकी मैं इसको और रियलिस्टिक बना सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कि ताकि आपको बेसिक टेक्निक पता चले। ये देखो आप देख रहे होगे मैं ब्रश से ब्लेंड भी करता जा रहा हूँ, फ्लैट ब्रश से डिवाइड भी करता जा रहा हूँ हाईलाइटेड पार्ट को, और फिर बाद में टोम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज भी करता जा रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको, मैंने क्या चारकोल पेंसिल में तो बताए हुए हैं ट्यूटोरियल, लेकिन इसमें मेरे को लगा कि ग्रेफाइट पेंसिल लगभग सबके पास होती है और शुरू में सब यही यूज़ करते हैं, तो मेरे को लगा कि इस पर एक ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए आपको। पहले आप डिवाइड कर लो लाइट ग्रेड पेंसिल से, बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट है वहाँ पे आप डार्कर ग्रेड पेंसिल डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उसके ऐसे है कि डार्कर ग्रेड पेंसिल यूज़ करते हैं तो ऐसे आपको मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देख रहे हो आप, देख रहे हो कितना रियलिस्टिक लग रहे हैं। बस आपको ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम में दिखाता हूँ कि कैसे मैं जैसे वाइट हेयर बनाने हैं, स्ट्रोक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि हाइलाइटेड पार्ट। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून।